नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों के जवाब देना चाहूँगा और वो जो सवाल जो हैं आपने वीडियो के नीचे कमेंट में किए हैं उनके जो हैं मैं आज आपको जो है आंसर देना चाहूँगा। क्योंकि दोस्तों होता ऐसा है कि मैं खुद थोड़ा बिजी रहता हूँ तो मैं जो है पर्सनली जो है एक एक को जो है जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो इसलिए मैं जो है प्रॉपर वीडियो बना देता हूँ और उसमें जो है मैं सभी के जो है सवाल जो है ले लेता हूँ और जितना मुझसे हो सकता है उतना ले लेता हूँ और सभी के जो है आंसर मैं कर देता हूँ। तो बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के सबसे पहले सवाल की। मैंने एक वीडियो बनाया था सिग्मोडाइस्कोपी का और उनके नीचे कमेंट किया है संजीव ठाकुर जी ने, पूछ रहे हैं इसमें कितना खर्चा आता है। तो देखिए संजीव जी, इसमें सभी जो हैं एरिया में अलग अलग जो है रेट रहता है, लेकिन अप्रोक्स आप मानिए तो 5 से 10 हज़ार के बीच में जो है वे वेरी करता है। हो सकता है आपका जो है 4 हज़ार में भी हो जाए, हो सकता है आपका 6 हज़ार में हो जाए, लेकिन आप ये मान लीजिए 4 से 10 या 5 से 10 के बीच में इसका रेट रहता है। दूसरा जो है कमेंट किया है भीम सिंह जी ने, वो पूछ रहे हैं सर मल द्वार के बाहर मस्सा आता है और कभी अपने आप अंदर जाता है, कभी जो है उसको अंदर करना पड़ता है, कोई दर्द चुभन नहीं है, ये क्या हो सकता है? तो देखिए भीम जी, मैं आपको बताना चाहूँगा ये डेफिनेटली जो है पाइल्स का मस्सा है और ये पाइल जो है आपकी इंटरनल पाइल है, एक्सटर्नल पाइल नहीं है, आपकी इंटरनल पाइल है। और ये जो है मस्से जो होते हैं वो आपके अंदर बने हुए हैं, जब आप थोड़ा प्रेशर लगाते हैं मल त्याग के समय तो ये मस्से जो हैं बाहर आ जाते हैं और कभी कभी वापस अंदर भी चले जाते हैं, कभी आपको हाथ से भी अंदर करने पड़ते हैं। तो ये डेफिनेटली जो है आपके पाइल्स हैं, आपको जो है मुझे लगता है कि आपके मस्से बाहर भी आ रहे हैं, तो मुझे लगता है आपका जो है टाइम भी काफ़ी हो गए हैं, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसका जो भी सर्जरी वगैरह होता है वो आपको करवाना चाहिए। होम रेमेडी से जो है अभी ये क्लियर नहीं होने वाला है, आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी क्योंकि मस्से जो हैं आपके बड़े हो गए हैं और बाहर भी आने लग गए हैं। अगला कमेंट किया है सैम दिल वाला ने, सर मुझे लेटरिंग करते समय ब्लड आता है, जलन और दर्द नहीं होता, प्लीज़ सर रिप्लाई। देखिए सैम जी, आप बोल रहे हैं कि आपको ब्लड आ रहा है, आपको जलन हो रही है लेकिन दर्द नहीं हो रहा है, तो ये जो है पाइल्स की स्टार्टिंग एज है। पाइल्स में जब स्टार्टिंग होती है तो उस समय घाव जो है इतना बड़ा नहीं होता है, मस्सा इतना बड़ा नहीं होता है, उसमें दर्द हो तो ये जो है आपकी पाइल्स की स्टार्टिंग है। देखिए दोस्तों, अगला कमेंट किया है दीपक मोटिवेशन जी ने, दीपक मोटिवेशन जी ये बोल रहे हैं मेरा ब्लड आया आज और स्टूल होने के बाद उनका ब्लड आया है, पूरा ब्लड नहीं था वो, अजीब सा था, हेल्प मी। तो इसमें तो देखिए ऐसा है कि आप बोल रहे हैं कि आपको स्टूल करने के बाद ब्लड आया है और आप बोल रहे हैं पूरा ब्लड नहीं था वो कुछ और था, तो इसमें तो आपको पूरा जो है चेकअप करवाना पड़ेगा कि ब्लड नहीं था वो क्या हो सकता है। देखिए वैसे पाइल्स में अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो वो जो आपका ब्लड होता है वो चटकीला लाल होता है, एकदम लाल कलर का होता है। अगर आपको फिशर भी हो गए हैं, उसकी ब्लीडिंग अगर आपको हो रही है, तो उसमें भी जो आपको ब्लड आता है वो ताज़ा ब्लड आता है, ऐसे अजीब सा ब्लड नहीं आता। तो मेरी सजेशन यही है आप एक बार जाके चेकअप जरूर करवाइए। अगला कमेंट जो है किया है रजनी कुमारी ने, वो बोल रही हैं सर मेरा बेटा 3 साल का है, उससे रेक्टम प्रोलैप्स की प्रॉब्लम हो गई है, कैसे ठीक होगा, प्लीज़ हेल्प मी। देखिए ये रेक्टम प्रोलैप्स की जो प्रॉब्लम होती है ये छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को जो है उतना पता नहीं रहता, उनमें जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो वो जो है ज़्यादा जोर लगा देते हैं, और अभी जो है उनकी मसल्स डेवलप हो रही हैं, अभी उनकी मसल जो है इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई तो वो लचीली ज़्यादा होती हैं और उसकी वजह से जो है वो प्रोलैप्स कर जाती हैं। तो सबसे पहले यही है कि उनको कॉन्स्टिपेशन अगर है आपके बच्चे को तो कॉन्स्टिपेशन आपको ठीक करना पड़ेगा। वैसे अभी जो है आप बच्चे के लिए अगर कुछ नुस्खे वगैरह इस्तेमाल करें जिससे मन उनका सॉफ्ट हो जाए तो इरेक्टर प्रोलैप्स की समस्या ख़त्म हो सकती है। अगर अभी अभी हुई है तो आप जो है कुछ नुस्खे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम हो गया है तो आपको जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसका जो इलाज सर्जरी ही है। अगला कमेंट किया है सुमेर सिंह ने, वो बोल रहे हैं कि सर बॉडी डिटॉक्स पर एक वीडियो बनाएं। देखिए सुमेर जी, मैंने एक वीडियो बना रखा है बॉडी डिटॉक्स पे, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके उसको अच्छे से देख सकते हैं, और उसमें मैंने बताया है कि आप जो हैं कौन से घरेलू नुस्खों से जो हैं अपनी बॉडी को जो है डिटॉक्स कर सकते हैं, तो एक बार जाइए और चेक करिए। अगला कमेंट किया है एम के सुडान टेक ने, सर मैं मल करने के बाद दर्द और जलन हो रहा है, थोड़ा सा फूल गया है, क्या करूं?
तो देखिए यही प्रॉब्लम है आपको जो है, फिशर पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, और फूल गया है तो उसमें होता है कि थोड़ी सी रेडनेस वगैरह आ जाती है, सूजन आ जाती है मलद्वार में, तो उसकी वजह से जो है आपका ये फूल गया है। तो आप तो जो है, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आप जो है मल जो है सॉफ्ट करने की जो है होम रेमेडी इस्तेमाल करिए, आपका मल जो है कठोर नहीं होना चाहिए, मल को सॉफ्ट करने की आप जो है कोशिश करिए। बाकी जो है आप फूल गया है या फिर उसमें सूजन आ गई है तो उसमें जो है बर्फ़ की थोड़ी सी सिकाई कर दीजिए, जिससे जो उसकी सूजन कम हो जाती है। अगला कमेंट किया है प्यारा हिंदुस्तान ने, सर ये रेक्टल प्रोलेप्स से कैंसर होने का खतरा तो नहीं रहता? देखिए वैसे तो कैंसर जो है अलग चीज़ है और रेक्टल प्रोलेप्स अलग चीज़ है, इसमें दोनों में कोई रिलेट नहीं है। और वैसे रेक्टल प्रोलेप्स से जो है कैंसर होने का कोई खतरा नहीं होता है, कैंसर एक अलग चीज़ है। रेक्टल प्रोलेप्स की मतलब ये है कि आपकी मसल्स कमज़ोर हो गई हैं, जिसकी वजह से वो मलद्वार को जो है होल्ड नहीं कर पा रही हैं और मलद्वार बाहर आ रहा है। कैंसर जो है आपके कोशिकाओं के जो ज़्यादा विभाजन के कारण होता है, तो इसका इन दोनों से कोई रिलेट नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। सर रेक्टल प्रोलेप्स भी जो है पाइल से जुड़ी हुई होती हैं? ये भी कमेंट प्यारे हिंदुस्तान जी ने किया है। जी नहीं, पाइल्स और रेक्टल प्रोलेप्स जो है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पाइल्स में आपकी नस जो होती हैं उनमें घाव हो जाता है, वो फूल जाती हैं। रेक्टल प्रोलेप्स जो है एक मांसपेशियों की कमजोरी है, तो इन दोनों का कोई रिलेट नहीं है। अगला कमेंट किया है विपिन चौधरी ने, सर मैंने पाइल्स का ऑपरेशन करवाया बट मुझे ऐसा लगा कि मेरा रास्ता छोटा हो गया है, बट सर मेरी पूरी उंगली चली जाती हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ दर्द होता है बस, बाकी पूरी उंगली चली जाती हैं। विपिन चौधरी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम बहुत से जो हैं लोगों में होती हैं कि उनको जो है पाइल्स की सर्जरी के बाद या फिशर की सर्जरी के बाद जो है एनल स्टेनोसिस मतलब मल द्वार का संकुचन, ये प्रॉब्लम उनको जो है बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसमें तो यही है, आप जो है थोड़ी सी कीगल एक्सरसाइज होती हैं, कीगल एक्सरसाइज आप गूगल पे सर्च करिए, वो आप जो है थोड़ी बहुत कर सकते हैं। थोड़ी बहुत जो है वहाँ पे ऑयलिंग करिए, थोड़ी बहुत मसाज वगैरह करिए, जिससे आपकी जो है वहाँ पे हार्डनेस वगैरह हो गई है मलद्वार में, तो उनकी मसल्स में जो है हार्डनेस है वो ठीक होगी। और अगला कमेंट किया है सोनू कुमार ने, सर मुझे पोटिक करते समय खून आता है, आप बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए सोनू जी, खून आ रहा है तो इसका दो ही कारण है, या तो फिशर है या आपको पाइल्स है। पाइल्स का मैंने वीडियो बना रखे हैं, पाइल्स को आप कैसे पहचानेंगे, फिशर को आप कैसे पहचानेंगे, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। कमेंट है सौरभ अग्रवाल पूछ रहे हैं, सर आप नंबर क्या हैं, मतलब वो नंबर पूछना चाह रहे हैं। तो देखिए मैं सभी सब्सक्राइबर को बता दूं, नंबर मैं आपको नहीं दे सकता हूं, आप प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं नंबर दूंगा तो मेरे से अभी 14,000 लोग जुड़े हुए हैं, तो सबका कॉल मैं अटेंड नहीं कर पाता हूं। मेरे खुद के जो है बिज़नेस होते हैं, मैं खुद जो है बिज़नेस करता हूं, तो उसमें मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं सबको जो है रिप्लाई कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने जो है एक प्रॉपर वीडियो बना देता हूँ जिसमें सभी के कमेंट का जो है रिप्लाई कर देता हूँ। तो ये कुछ कमेंट हैं दोस्तों आप सभी के। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपके सभी कमेंटों का जो है जितना मेरे से हो सकता है उतने मैंने रिप्लाई कर दिए हैं। अगर आप जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें मैं जो है आपका कमेंट, अगर आप चाहते हैं कि मैं उनको रिप्लाई करूं, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करिए, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूं और सभी का जो है रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो मिलता हूं दोस्तों अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।